पश्चिम बंगाल ग्वाला समाज केंदा आंचलिक कमेटी की ओर से रविवार देर शाम को केंदा गांव में पहली वार्षिक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सबसे पहले केंदा ग्राम स्थित मां भगवती मंदिर के पास से एक जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस केंदा गांव होते हुए फुटबॉल ग्राउंड 4 नंबर, बावरी पड़ा 3 नंबर होते हुए सभा स्थल के पास पहुंचकर समाप्त हुआ। वहीं इस दौरान केंदा ग्राम निवासी विशिष्ट समाज से भी पूर्व जामुड़िया पंचायत समिति सभापति मुकुल बैनर्जी तथा स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जुलूस के दौरान भगवान श्री कृष्ण, स्वतंत्रता सेनानी शहीद खुदीराम बोस की तस्वीर को लेकर जय श्री राधे कृष्ण का उद्घोष लगाया जा रहा था। वही वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल ग्वाला समाज के राज्य सभापति नयन गोप ने कहा कि ग्वाला जाति को पिछड़े जाति की मान्यता मिलनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को ग्वाला रेजिमेंट का गठन करने के साथ साथ ग्वाला उन्नयन परिषद का गठन करना होगा। उन्होंने कहा कि ग्वाला समाज के लोगों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो सरासर अन्याय है। वहीं पश्चिम बंगाल में 3.5 करोड़ ओबीसी है जो अपने अधिकारों से वंचित है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में मामला भी दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्वाला समाज के लोग स्वस्थ शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित है, जिसके लिए सरकार को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना अधिकार मिलना उचित है, वही ग्वाला समाज अपने अधिकारों के लिए लगातार आंदोलन करती रहेगी। इस दौरान ग्वाला समाज के विश्वनाथ गोप, जगन्नाथ गोप, धनंजय मंडल, गणेश गोप, शिवू गोप, प्रवीर मंडल आदि सहित भारी संख्या में ग्वाला समाज के महिला पुरुष मौजूद थे। ग्वाला समाज केंदा अंचल जमुड़िया ब्लॉक के पक्ष से आज के केंदा एरिया पथ परिक्रमा मध्य दिए हमारा ग्वाला समाज केंदा अंचल जो वार्षिक सभा से वार्षिक सभा के सामने रेखे हमारे प्रथम दाबी हे ग्वाला उन्नयन पर्षद, द्वितीय दाबी हे ओबीसी पूर्ण मर्यादा, तृतीय दाबी हे ग्वाला रेजिमेंट एवं दुग्ध समबायिका गढ़े तोला। ये इस्यूगुलिके निये आम्रा आगामी दिन ग्वालादेर जे जनभित्ति से भित्तिके किन्तु आम्रा आरो दृढ़ एवं मजबूत करते चाई। एवं आपनारा जानेन যে পশ্চিমবাংলার যে ওবিসি, সেই ওবিসি প্রায় 3.5 কোটি ওবিসি, অথচ ওবিসিদের উপর বঞ্চনা যে চলছে, এখনও পর্যন্ত দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত ওবিসিরা কোনো রাজনৈতিক অধিকার আমরা পাইনি। আমরা যেটুকু শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের অধিকার পেয়েছিলাম সেখান থেকেও আমরা বঞ্চনার জায়গাতে দাঁড়িয়ে গেছি। আপনারা জানেন এটা নিয়ে একটা হাইকোর্টে কেস পর্যন্ত হয়েছে এবং মামলাটি এখনও পেন্ডিং আছে। যারা পিছনে দরজা দিয়ে ওবিসির মর্যাদা যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এবং বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 23টি জাতিকে এবং অধুনা এই সরকারের আমলে 42টি জাতিকে, 1টি হিন্দু জাতি, 41টি মাইনরিটি জাতিকে তাদের সোশিও ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ছাড়াই তাদেরকে পেছনের দরজা দিয়ে ওবিসির মর্যাদা দেওয়ার জন্য হাইকোর্টে একটি জনস্বাস্থ্য মামলা হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ওবিসিরা শিক্ষা স্বাস্থ্যের যে অধিকার সেই অধিকার থেকে কিন্তু আমরা বঞ্চিত হয়ে রয়েছি। এবং ভারতবর্ষে সবথেকে বেশি সংখ্যা হচ্ছে আমরা 52%, অথচ রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে আমাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে কিন্তু কাকা কালকেস কমিটির থেকে। জামুড়িয়া সে দিলীপ সাউকে রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। নিয়মিত আপডেট এবং দুনিয়াভর কি তাজা খবরো কে লিয়ে হামারে ফেসবুক পেজ কো ফলো এবং ইউটিউব চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করে।